इस वीडियो में आप जानेंगे कि पैन कार्ड को डाउनलोड कैसे करेंगे ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से। पैन कार्ड हर किसी के पास होता है और पैन कार्ड होना भी चाहिए हर किसी इंसान के पास, लेकिन गाइज उसका पैन कार्ड जो है खो जाता है, पुराना हो जाता है, फट जाता है, जल जाता है। इस सिचुएशन में वो अपने पैन कार्ड को किसी भी काम में लगाने के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता होता है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड कैसे करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि पैन कार्ड को डाउनलोड कैसे करेंगे ऑनलाइन। अगर आप भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो उससे पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सौदागर और आप देख रहे हैं अंतरजाल की दुनिया यूट्यूब चैनल। मैं इस चैनल पे ऑनलाइन से रिलेटेड सभी तरह के वीडियो लाता रहता हूं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए अपने फ़ोन की क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च बार पे टाइप करना है UTI पैन कार्ड। अगर आपके पास NSDL पैन कार्ड है तो NSDL पैन कार्ड टाइप करेंगे, अगर आपके पास UTI पैन कार्ड है तो UTI पैन कार्ड आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो पैन कार्ड टाइप कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने में यहाँ पे एक लिंक आएगा, जैसा कि आप देख सकते हो पैन कार्ड UTI ITSL का, तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने में पैन कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके ओपन हो जाएगी, जो कि UTI ITSL का वेबसाइट है। उसके बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, आपको नीचे में बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। एक यहाँ पे देख सकते हो पैन कार्ड फॉर इंडियन सिटीजन अप्लाई करने के लिए, पैन कार्ड में यहाँ पे फॉरेन सिटीजन अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे पैन कार्ड में करेक्शन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए, तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए क्लिक टू डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना सा करते ही गाइज आपके सामने में नेक्स्ट पेज खुल करके ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी जूम करना है। जूम कर देने के बाद गाइज आपको यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड ऊपर में डाल देंगे नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है, डेट को छोड़ करके सिर्फ मंथ और ईयर डालना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपको यहाँ पे GST नंबर मांगा जा रहा है, आपके पास GST नंबर है तो डाल देंगे, अन्यथा इसे आप छोड़ देंगे। उसके बाद जो कैप्चा कोड आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वो कैप्चा कोड आपको सेम टू सेम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है कि ऊपर में पैन कार्ड का नंबर दिखाया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे मोबाइल नंबर दिखाया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड नंबर पे ईमेल आईडी दिखाया जाएगा। जो भी आपके पैन कार्ड के साथ मोबाइल नंबर ईमेल आईडी लिंक होगा वो सारा का सारा यहाँ पे दिखाई दे दिया जाएगा। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वो कैप्चा कोड को आपको सेम टू सेम इस वाले घेरे में डाल देना है। आपसे पूछना चाहता है कि आप किसके जरिए से OTP लेंगे ताकि आप पैन कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसके ऊपर टिक करेंगे तो आपके ईमेल में SMS के जरिए से एक OTP आएगा, दोनों में एक एक करके वो OTP को आप डालेंगे तो आपका पैन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अन्यथा अगर आप चाहेंगे कि सिर्फ हम ओनली ईमेल के जरिए से OTP लेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सिर्फ ईमेल पे OTP आएगा, उसके बाद आप आसानी से पैन कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि ओनली SMS, तो आप ओनली SMS के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ओनली SMS के जरिए से ही एक OTP आएगा, उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे जो है कि सिंपली क्या करता हूँ, ओनली SMS के ऊपर टिक कर देता हूँ। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे गेट OTP वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे देख सकते हो आपका पैन नंबर और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आपका पैन कार्ड के साथ लिंक है वो मोबाइल नंबर पे आपको OTP भेजा जाएगा, वो OTP को आपको यहाँ पे इस वाले घेरे में डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो आपको डाउनलोड करने को कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड लिखा हुआ है, अब आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। आपका पैन कार्ड के साथ जो भी आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक है वो दोनों पे एक SMS आ गया है। उसके बाद गाइस आपको ईमेल के ऊपर क्लिक करना है। ईमेल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे गाइज आपको यहाँ पे देख सकते हो लिंक दे दिया गया है, आपका पैन कार्ड दे दिया गया है, आप आसानी से इस पैन कार्ड को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है पैन कार्ड PDF, हम इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ पे जो कि एक पासवर्ड मांगा जा रहा है। अब बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम यहाँ पे पासवर्ड क्या डालेंगे, तो पासवर्ड आपका जो है कि जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपका पासवर्ड है, पूरा डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी डेट है, तारीख, महीना है और ईयर्स है, पूरा का पूरा डाल देना है आपको डेट ऑफ बर्थ। जो भी आधार कार्ड में पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ पूरा का पूरा डाल देना है, डेट, मंथ और ईयर। उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना सा करते ही गाइज आपके सामने में यहाँ पे देख सकते हो PDF खुल करके ओपन हो चुकी है, जो भी आपका पैन कार्ड का PDF है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा पैन कार्ड का PDF खुल करके ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको जो है कि पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह सब कुछ दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड का PDF यहाँ पे देख सकते हो नीचे में पैन कार्ड दिखाया जा रहा है। जैसा आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होता है उसी तरीके से यहाँ पे भी पैन कार्ड नीचे में दिया गया है। तो आपको यहाँ पे अगर किसी काम में लगाना चाहते हो तो आप आसानी से इस PDF
पीडीएफ को डाउनलोड करके आसानी से पैन कार्ड को यूज कर सकते हो, इसमें कोई भी इशू नहीं होने वाली है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप समझ ही गए होंगे तो पैन कार्ड को मोबाइल फोन से डाउनलोड कैसे करेंगे ऑनलाइन। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप समझ ही गए होंगे कि पैन कार्ड को ऑनलाइन मोबाइल से डाउनलोड कैसे करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मैं इसी तरीके कोई नई इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से अगली नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।